देखो मैं सर तुमने केस जाती, मैं इंशाल्लाह ताला तुमसे पक्का में भी इंसाफ लूंगा और मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाएं। भाई टैक्सी वाले भाई सानू फ्री दा झूठा लवा दे। भाई साहब गबरू के घर में पता नहीं कब से आ रहा हूँ, 804 मैंने अभी नोटिस किया, बिल्कुल अभी। ये तो ये डियोर शियोर, ये तो क्रिश्चियन में पता नहीं, ये बड़े महंगे ब्रांड है। 10,000 7,50,000 की यार, इतने का मेरा आईफोन नहीं है यार। शर्म इसकी मैं क्लास रहूं, इसलिए मुझे जल्दी पड़ी है। चुप कर रहा हम लोग जी वी आर बैक विद अदर व्लॉग। तो यार तुम लोगों को पता है कल वाले व्लॉग से कि हम लोग गबरू दिलफूजा की तरफ गए हुए थे और दिलफूजा मैडम ने जो है प्लान बनाया था कि रूह को भी दुबई लेके आना है यार। अल्लाह माफ करे, उन्होंने मुझे बड़ा जलील कराया यार। मेरी फ्लाइट हुई थी यार, नदीम बताया यार इनको, मेरी फ्लाइट हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या तुम चाटी जा रहे हो यार? कैसे बड़ी मजा अल्लाह का, चाटने का तुम्हें बड़ा शौक हो गया? नोटी हो रहा कैसे, वो मजे की कसम से खानी है उन्होंने। साबित कैचअप कौन खाता है यार, तू पागल है? बच्चा है तू, 2 साल का है। नमकीन नमकीन बड़ा मजा आता है इसमें। अच्छा लोगों को बताया हमारी फ्लाइट हुई थी आज की नहीं? देखो मैं सर तुमने केस जाती, मैं इंशाल्लाह ताला तुमसे पक्ष में भी इंसाफ लूंगा और मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। भाई मैं पक्ष में अकेला जा रहा हूँ, जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अकेला नहीं जा रहा यार, मैंने पूरा प्लान बनाया था कि मैं तुम्हें अपने जहाज के ऊपर बैठा के लेके जाने यार। नहीं वो तो मैं चला जाता, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जहाज अकेला रहा हूँ ना। कोई नहीं यार, वो अब हो गया, मुझे नहीं पता कि पीछे से क्या प्लानिंग चल रही है। एक मिनट। अच्छा अब बताओ क्या कह रहे हो? Nice. यार तू कैचअप खाना बंद कर, मुझे उलझन हो रही है यार। जितने भी लोग डक्की बाई व्लॉग सब्सक्राइब किए बगैर देखते रहते हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बगैर, उनके साथ क्या होना चाहिए? बेचारा रो पैना नहीं, इंज कर लेना दे दे। मजा आया वैसे दुबई में, आज हमारी वापसी होनी है, लेकिन कोई नहीं, एक दो दिन बाद होगी। ये इतना बड़ा संडा तुम अल्लाह की कसम। ओ यार वो मैंने तेरी भाभी का सामान लेके जाना था इसके अंदर, लेकिन अब वो अपना बैग लेके आई है, तो वो अपना सामान खुद ही लेके जाएगी। अब लैपटॉप भी पैक है, निकली यार आजा फटाफट, लेकिन होटल ने हमें लेट चेकआउट मार देना, जल्दी कर जल्दी कर। भाई भी आ गए, हमारे बैग शैग जो है ना रख रहे हैं, ठीक है उसके बाद चले। वो ये टॉवल होटल वालों का है, मेरा गला खराब है, मैं साथ लेके जाना। यार होटल वालों का होटल इसको कह दो यार, मैं खा लेता हूं यार। यार मेरा टॉवल ना लेके जाना, मेरा ना गला खराब है। ला दो ना। अरे कहना क्या चाहते हो? आई वांट टू टेक विद मी। हमारी टैक्सी आ गई है और गाड़ी भी आ गई है, आओ जी लेट्स गो। क्या हाल है भाई? बड़ा फैन है। क्या हाल है फिर? मैं तो कहता हूँ मुफ्त में राइड दे दो, आ जाए निकल। फोटो लेना है। अच्छा यार फोटो से तो मुझे गाना याद आ गया। क्या? हाय हाय हाय, ये स्पेशल भाई के लिए। भाई अगर अहमद हो जनाबत हो तो सुना दूं? सुना दो सर। सुनाओ जी। लो जी आए, आए। सुना दो फिर। हाँ जी गाओ के साथ। खिंच मेरी फोटो ले दे। भाई टैक्सी वाले भाई सानू फ्री दा झूठा लवा दे। ले लो फोटो ले लो, शर्मा रहे हो आप हैं? नाम क्या है भाई का? मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज यार आप क्यों यहाँ? आप दुबई के, आपको पाकिस्तान में मॉडलिंग करनी चाहिए, इतने प्यारे हो आप हैं, शर्मा आ गया है। कोई मसला नहीं, अभी शर्मिला है, अभी ये तिफले मकतब है, छोटा बच्चा है ये। बहुत तेज हो रहा है। बड़े प्यारे हो यार, आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। कहाँ से हो? पेशावर से? स्वात से। स्वात से हैं भाई। नजर भाई तुम्हारी फिर ठीक? पठान हो जी? पठान है भाई, पठान। वैसे मजाक नहीं कर रहा, इसकी नजर ठीक हो सकती है। कैसे? वो इसे ऐसे कि या करना छोड़ दो या देखना छोड़ दो। कब से चला रहे हो टैक्सी? है अभी ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया, अभी फ्रेश ज्वाइन है, नया बच्चा है। कब से चला रहा है? कह रहा है फ्रेश है, वो नया बच्चा है ना, अभी कल ही ज्वाइन किया। पता तुम्हें, मेरा भी एक दोस्त था असलम, माशाल्लाह 5 साल चला सी टैक्सी। नहीं वैसे अल्लाह बाग ने उसको इतने बाग लगाए, खुदा की कसम इतने बाग लगाए। मैं 2 दिन पहले आया हूँ, एयरपोर्ट पे मिला है, मैं कहा भाई अब क्या से क्या बन गए हो? कहता अब भी टैक्सी चलाता हूँ। मैं तो कहता हूँ यूट्यूबर बन जाओ आप भी हैं, कुछ कर लो तुम जिंदगी में। ओके मैं 3 साल बाद फिर आऊँ, तू अगो फिर ही कमे फोटो जानी है। वही टैक्सी वाला जरा सू पहला पै गया, गर्लफ्रेंड है भाई की? है नहीं, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए आपकी यार, आप टैक्सी से निकलो ऐसे हैं, लड़कियां पीछे जब भी डाले भाई, जब बंदे को लग जाए ना नजर गया ना का, फिर शादी होती, फिर गर्लफ्रेंड नहीं होती। शादीशुदा हो आप? शादीशुदा हो ना? शादीशुदा हो? अच्छा शादी लाया। मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार।
बच्चे पूछे हैं जी कितने एक बेबी पाकिस्तान तो बंदा टैक्सी चलावे तीन कंडा होना मुड़ मैंने एक बच्चा ही होना चार साल अगले पांच साल एक होर कर लो अगले भी साल खत्म टैक्सी जान छोड़ो क्या करेगा पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वगैरह उनका है ओके भाई ख्याल रखो यार किसी बात का माइंड ना करना है ऐसी शुगर मुले लगाते रहते हैं कोई है छोटा सा इसके लिए यार हाँ क्या टिकटॉक आएगी आपके ऐसे जी वैगन से उतरते हुए यार्ड में चढ़ते हुए इंशाल्लाह है लेवल हो जाएगा क्या बात है सर इतनी प्राइवेसी है नदी पर्दा लगा दिया हमारे लिए बताइए ना आगे नजर ही नहीं पीछे बैठ के जो मर्जी करो राजा जी आप कुछ कर लेते हैं अभी नदीम को जो है ना एयरपोर्ट छोड़ने जाना तुम लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं सीधा भाई चलो क्या यार करें पाकिस्तान में बाकी सॉरी यार अपना मसला नहीं टेंशन नहीं लो मैं जा रहा हूँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारा क्योंकि वो PS5 और आईफोन भी लोगों को देने सब कुछ रहता है बड़े काम रहते हैं फटाफट तुम फोन जो बाकी तुम्हारे पीछे पीछे तुम आगे मैं तुम्हारे पीछे आगे पीछे कर लेंगे तुम चल निकलोगे अल्लाह हाफिज़ मेरा वापस नहीं आना चाहूंगा गजब बेइज्जती है ऐ बेचने नहीं तू है चुप कर बे कुत्ते लेट है आओ जी अब तो मैं भी आ गया हूँ हैं अब तो मैं भी सामान ले आया हूँ अपना तुमने मेरा दोस्त भगा दिया है भाई पाकिस्तान सीधा ओए दिलफूजा आई जस्ट नोटिस दैट योर अपार्टमेंट नंबर 804 यू डोंट नो 804 ओह नो रूबिन को 804 का नहीं पता यार उन्हें नहीं बताना और पाकिस्तान वापस भी जा रहे हैं एयरपोर्ट पे चुके गए हैं डर गए पता लगे घर के बाहर वीगो आए हुए हैं काले यू डोंट नो 804 यार गब्बरू इनको बता 804 कान में बता दे 804 दिलफूजा 804 कान में बता कान में ये मैंने भाई मैं तेरे घर से कितने सालों से आ रहा हूँ मैंने आज नोटिस किया तेरे अपार्टमेंट का नंबर 804 है हुँ तो दी। लकी अपार्टमेंट मैं तो कहता हूँ अगर तुमने बेचना हुआ मिलियन दिरहम ऊपर का बेचना इट्स ट्रू इन द कमेंट्स पीपल विल टेल यू कमेंट कर देना इनको थोड़ा ज्यादा ना इंग्लिश में कमेंट करना ठीक है वो इंग्लिश पढ़ लेती है 804 क्या है मैं वीडियो भी नहीं बोल सकता क्योंकि पाकिस्तान जा रहे हैं इमिग्रेशन में उन्होंने चंडे लगा देनी मुझे झूठ नहीं बोल रहा हां जी भाई अब तो मैं भी आ गया इधर क्या वेलियां मार रहे हो यार आप लोग क्या करते रहे सारा दिन यार शॉपिंग ओ यार दिलफूजा व्हाई आर यू टेलिंग हर शॉपिंग अस्तगफिरुल्लाह तो भाई साहब इतनी नहीं टची में जगह तुमने एक तो ऑनलाइन इतनी चीजें मंगाई हुई थी अब तुमने ऑफलाइन भी मंगा लिए हैं भाई साहब गबरू के घर में पता नहीं कब से आ रहा हूँ 804 मैंने अभी नोटिस किया है बिल्कुल अभी क्या बात है यार इनको बता दिया अगर कोई 10 दिरहम शॉप भी मिलती है यहाँ पे 5-10 दिरहम की चीजें मिल जाती है इनको वहां से मशवरा दिया करना कि वहां से चीजें लिया करना यार ये तो बड़ा महंगा ब्रांड है ये तो ये डियोर श्योर ये तो क्रिश्चियन पता नहीं ये बड़े महंगे ब्रांड है अल्लाह माफ करे ये क्या लिया है ये क्या बदतमीजी है यार ये क्या है मैं कौन सा रोज रोज दुबई आती हूँ रोज रोज अब तो मैंने तुम्हें साल 1.5 साल बाद भी नहीं आने देना रोज रोज तूने भी ओसो न्यू आईफोन खरीदे 6 लाख का ओ यार 6 लाख का आईफोन मतलब एक साल के अंदर एक बार आईफोन आता है साल के अंदर एक बार आईफोन आता है यार हमारे साथ रोज रोज शॉपिंग तो नहीं होता ना यार ये तो महंगे महंगे ब्रांड जिंदगी में मैंने सुने नहीं क्रिश्चियन डियोर हम भी एक अपना खोल लें जिसका एक क्रिश्चियन डियोर है हम भी खोल लेते हैं मुस्लिम डियोर आर यू सीरियस राइट नाउ ब्रो क्या ख्याल है इंडिया में किसी बंदे को कहते हैं वो खोले हिंदू डियोर हाउ मच यू गाइस स्पेंड एटलीस्ट हाउ मच यू स्पेंड लाइक ₹10,000 की यार इतने का मेरा आईफोन नहीं है यार पैसा बर्बाद आई डियर फेसर भाई दी शर्म आ गई शर्म आ गई जी जेल में डाल दो यार बाहर में क्या परफ्यूम यार तुमने क्या लिया है किरे शूज कितने का जूता है कितने का जूता है पाकिस्तानी बनेंगे 40,000 रुपए यार 40,000 रुपए की जूती खरीद रही है यार ये क्या अल्लाह की कसम ये शालमी मार्केट से मैं तुम्हें 200 रुपए की ले दूं 200 रुपए की यार केयरफुल नहीं ऐसी थी तैसी उन इसी जूती के साथ में पिटाई करूंगा सारों की मिलके यार और ये क्या परफ्यूम है भाई प्रिंगल्स का जार लग रहा है अल्लाह की कसम 1700 दिरहम में परफ्यूम मंगा ली ये भी देखो कितना प्यारा मेकअप पाउच है
और मेकअप पाउच क्या करना है यार अस्तग़फ़िरुल्लाह मेकअप पाउच भी ब्रांड का यार ये अल्लाह की कसम 50 रुपए का मिलता है टैडी को पसंद आ गया है टैडी को पता नहीं क्या है और टैडी वो पाउच लेके आए कुत्ती नहीं लेके आए जो तुम इतना एक्साइटेड हो रहे हो हैं तुम्हारे लिए भी इतना अच्छा गिफ्ट लेके आई हूं अस्तग़फ़िरुल्लाह है क्या है क्या मुझे बताओ तो सही ओपन ले अल्लाह की कसम जितना बड़ा बैग है क्या है गिफ्ट रैप खोलो इसको गिफ्ट रैप क्या करना है यार जूस का डब्बा लग रहा है मुझे जूस का डब्बा लेके आई हो तुम मेरे लिए जूस का डब्बा होगा वाईएसएल बड़ा ब्रांड माना जाता है बहुत बड़ा ब्रांड है अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा ब्रांड है मतलब महंगी है क्या महंगी चीज है बहुत अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे चलो शुक्र है परफ्यूम मिल गया कोई मसला नहीं ओह माय गॉड माय सेल्फ इट्स वन ऑफ माय फेवरेट है परफ्यूम ही है होगा कोई 50-60 दिरहम का होगा दिस इज रियली योर फेवरेट पुप्सी या वो कह रहा 50-60 दिरहम का हाउ मच इट इज कितने का है जी नो डोंट टेल हाइड योर सेल्फ जस्ट बता दो ना वैसे मैं वही बता दो लग जाए मैं ये तो देखूं ना कि यार कितना केयर करती है मेरे लिए कि गिफ्ट लेके आई है 1200 दिरहम का था खर्चे अल्लाह की कसम परफ्यूम के ऊपर यार 1200 दिरहम 1,00,000 रुपए बनता है 1,00,000 रुपए का परफ्यूम मैंने ये 1,00,000 रुपए का परफ्यूम मैंने अपने बदन में लगाना है मैंने निकल जाना है बाहर पसीने में बदबूदार मेरी पट तो पता नहीं ये बगले सारी बदबूदार हो यानी ये फायदा कोई परफ्यूम 1,00,000 रुपए का यार प्यार से गिफ्ट मैंने रात सारी पद मार के सोनी होती है यार मैंने एक पद मार लिया फारिक हो जाएगा परफ्यूम तुम्हारा 1,00,000 रुपए का यार हार में गया अभी रिफंड करो रसीद निकालो यार गबरू साहब रसीदे निकालो रसीदे गबरू साहब एक कट रसीद गाड़ी निकाल रिफंड करवा अभी कभी रिफंड करवा के ये सारा सामान पकड़ो रिफंड करवाओ ऐसी रीत ऐसी नो दिस इज गोइंग रिफंड ऑल्सो रिफंड निकलो गबू साहब अभी गाड़ी निकाल फुल स्पीड रिफंड फटाफट निकलो रिफंड करवाए यार अब गरूब क्या बदतमीजी है यार भाई मैं व्लॉग एंड कर लूं उसके बाद मैं तुम्हारी मैं लेता हूं क्लास या भाई मैं व्लॉग एंड करूं लाइक और सब्सक्राइब करके पहले तुम्हारे डिग्री में व्लॉग के लिए मिलते करूंगा इसकी मैं क्लास ले लूं इसलिए मुझे जल्दी बढ़िया चुप कर रहा है